अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन हमारे में साद इम्तियाज और मेरा ताल्लुक है RBS रियल एस्टेट, दी ओनली प्लैटिनम सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो आज हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे डेढ़ और आपके सामने। आज 21 सितंबर है, ठीक है, और हम डेवलपमेंट अपडेट्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या अपडेट्स चल रही हैं, क्या डेवलपमेंट प्रोग्रेस हैं। काफ़ी लोगों की कुछ क्यूरीज ये भी थी कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी हमने लॉन्च किया है तो क्या हमने अपनी डेवलपमेंट स्लो कर दी है। नो, इट्स नॉट राइट। तो हमने अपनी जो डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद में एज इट इज़ ही है, और यहाँ पर अच्छी खासी डेवलपमेंट मशीनरी ऑलरेडी है। हम अभी आपको दिखाएंगे लेटेस्ट साइट पर कि कितनी मशीनरी है, और सेकेंडली हम आपको पूरा ओवरसीज़ ब्लॉक की आज पूरी अपडेट्स देंगे, और सेकेंडली हम आपको एग्जैक्टिव ब्लॉक की भी डिटेल्स सारी देंगे, वहाँ पर क्या वहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्रेस की तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी में, आपको ओवरसीज ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक दोनों की डेवलपमेंट अपडेट देने के लिए। देख सकते हैं कि हम अभी मौजूद हैं ओवरसीज़ ब्लॉक R1 रोड पे। मेरे पीछे जो है बैक साइड पे ब्रिज आ रहा है, और ब्रिज के साथ ये R1 रोड आ रही है जो अभी पूरा कारपेटेड होगी। और लेफ्ट साइड पे आप मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम हमारी मशीनरी जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, और हम इस मशीनरी को प्रॉपरली जो है वो काम करिए अपने, और हम यहाँ पे इस रोड को भी हमने कारपेटेड करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ब्रिज के पास साथ ही हमारी ये मशीनरी भी है, ठीक है, और इसको हमने कारपेटेड करना है भी प्रॉपर तौर पर। तो मशीनरी आपके सामने है, तो लोगों के लिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि लोग देख सकते हैं कि मशीनरी लगी हुई है और डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रही है। हम आगे मूव करेंगे ओवरसीज़ ब्लॉक R1 रोड से टू ओवरसीज़ ब्लॉक, जहाँ पे सी ब्लॉक और ए ब्लॉक तमाम ब्लॉक्स ओवरसीज़ के हैं, जहाँ पे स्मार्ट स्कूल भी बन रहा है, मस्जिद भी हमारी है। अब हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे और फर्दर आप वहाँ पे भी डेवलपमेंट्स देखिएगा, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि ओवरसीज़ ब्लॉक में आप लोग बना रहे हैं वीडियो, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कोई नहीं बना रहा, तो आज हम आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी दिखाएंगे और ओवरसीज़ ब्लॉक भी दिखाएंगे। तो अब हम फर्दर चलते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ, जहाँ पे हम आपको तमाम डेवलपमेंट्स अपडेट दिखाते हैं। तभी हम खड़े हैं ओवरसीज़ ब्लॉक सी में। आप मेरे बिल्कुल बैक साइड पे देख सकते हैं स्मार्ट स्कूल, जिसकी 4 स्टोरीज ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं, ठीक है, और उसकी बिल्कुल ये बैक पे आप देख सकते हैं ये कनाल का जॉर्जियन विला बन रहा है, और लेफ्ट साइड पे हमारी सी ब्लॉक की मॉस्क है, जिसका अफ्तिता ऑलरेडी 30 जनवरी 2020 को हो चुका था, और ये पूरा कमर्शियल एरिया है 8 मरला, ठीक है। और मज़ीद हम राइट साइड पर और जाएँगे तो हमारे पास Capital 1 जो हमारे इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है करीब, उसकी साइड है, ठीक है, और उसके साथ विलास भी बन रहे हैं। और उसके मजीद लेफ्ट साइड पे अगर हम और राइट साइड पे हम जाते हैं तो ट्रैवलीज यूके की फर्म है जो अपने गेटेड कम्युनिटी विलास बना रही है, हम आपको उसकी भी दिखाएंगे वीडियोस। और ये आपके सामने मशीनरी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छी खासी मशीनरी यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो डिप्लॉयड है और काम प्रॉपर हो रहा है। तो मतलब लाहौर स्मार्ट सिटी और इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी में दोनों की अलग मशीनरी होंगी, तो यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मशीनरी यहाँ पे प्रॉपर है और डेवलपमेंट ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम आपको अब लेके जाएंगे डी ब्लॉक की तरफ, ठीक है, ट्रैवलिंग जहाँ पे यूके की बना रही है, और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, आपको वहाँ पे अपडेट्स देंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या कैसी डेवलपमेंट हो रही है। चलें चलते हैं हम डी ब्लॉक की तरफ और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ। अच्छा, अभी हम खड़े हैं डी ब्लॉक ओवरसीज़ में, ओवरसीज़ डी ब्लॉक में ट्रैवलीज जहाँ पे अपने विलास बना रही है, एक गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है, और स्मार्ट होम्स बना रही है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ट्रैवलीज होम्स की, ठीक है, और ट्रैवलीज होम की जो इन्होंने अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है, ये एक तकरीबन 10 मरले का विला मिला है और उसके पीछे 5 मरले के विलास बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है, ट्रैवलीज में जो है भी मज़ीद इसकी बुकिंग जो है वही फिलहाल क्लोज़ हो गई है, लेकिन फर्दर इंशाल्लाह जो भी इनकी न्यू प्राइसेस लॉन्च होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ अपडेट करेंगे। तो ये अपडेट थी डी ब्लॉक की। अब हम चलेंगे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ, जहां पे हम आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डिटेल्स और डेवलपमेंट अपडेट्स देंगे।
पे हम खड़े हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की मेन रोड पे जो अबव 100 फीट है। अभी हम यहाँ से सीधा ये कनेक्ट करेगी एग्जेक्टिव ब्लॉक को, जिसमें आप देख सकेंगे एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट अपडेट्स, ठीक है। और फर्दर हम आपको वहाँ पे भी दिखेंगे कि मशीनरी कितनी है वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। और ये सीधी रोड जो जाती है, ये सीधी चक्री जो हमारा सेकेंड एक्सेस था, जो नेशनल गार्डन सोसाइटी जो हमने एक्वायर कर ली थी, ये एक्सेस सीधा वहाँ पे कनेक्ट होगा और वहाँ से उस एक्सेस से हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक बी भी जो है कनेक्ट होता है। प्लस वहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ब्रिज की इंशाल्लाह वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे अभी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। जो ब्रिज की हम आपको इंशाल्लाह ड्रोन से प्रॉपरली वीडियो दिखाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हम आपको उस ब्रिज की भी वीडियो दिखाएंगे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक को कनेक्ट करी है वहाँ पे। जैसे हमने अभी ओवरसीज ब्लॉक में जो ब्रिज बनाया है, सेम ब्रिज हम अपना एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी बना रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी हम दिखाएंगे। अब मज़ीद हम चलते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ और वहाँ पे कुछ हम आपको शूट्स दिखाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट्स आप देखिएगा मज़ीद फर्दर। अच्छा, अभी हम खड़े हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं जो विलाज बन रहे हैं, ठीक है। और अभी हम बी ब्लॉक से भी होते हुए आए हैं, ठीक है। तो फर्दर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये विलाज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर मशीनरी भी यहाँ पे थी, ठीक है, मशीनरी है और अभी काम हो रहा है। मज़ीद आप और मेरे बिल्कुल राइट पे बिल्कुल देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट है उनका प्लांट ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे भी जितनी जो भी आपकी चीज़ें बजरी और जो कारपेट की चीज़ होगी वो सारी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इसको प्रॉपरली कारपेट किया जाएगा। और मज़ीद इस रोड से मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस रोड से हम अभी आए हैं ये कारपेटेड हो रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत कारपेट हुई है, फर्दर अभी एग्जेक्टिव तक कारपेटेड होना है। तो ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की अपडेट्स हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने कहा था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की कोई भी डिटेल नहीं दे रहा, वहाँ पे कोई जा नहीं रहा, तो हमने आपको पूरी एग्जेक्टिव ब्लॉक की डिटेल्स भी दे दी। और बी ब्लॉक की हमने वहाँ से गुजरते हुए आए हैं, बैक साइड पे मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी कारपेटेड हो रही है, थोड़ी सी रोड सिर्फ है अभी, लेकिन कारपेट अनकरीब इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये और डेवलपमेंट अपडेट्स थी हमारे आपके लिए, ठीक है। फर्दर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.rbslan.com, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।